लाल सूरज हमारे कैंडिडेट अभी आपके सामने धुआंधार तकरीर की है और इस मंच पर बैठे हुए सारे नेतागण और गठबंधन दल के सभी मेरे मित्रों और यहाँ पर जो बैठे हुए मेरे किसान भाइयों बहनों माताएं और नौजवान साथी और मेरे मीडिया के दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता क्योंकि जो कुछ बातें रखनी थी वो हमारे मीर साहब ने रखी, हमारे कैंडिडेट ने रखा और आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन रहने के वजह से चुनाव की तैयारी भी करना पड़ता है और उनको हर जगह मां कर मुखिया हैं उनको मिलना भी है, तो इसीलिए मैं मेरा उनका वक्त मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। भाइयों, मैं कर्नाटक से आता हूँ और जिस एरिया में ज़्यादातर आप जानते होंगे, बेंगलोर एक मशहूर शहर है और वहाँ से हम लोग आते हैं, तो मुझे कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने के बाद ये पहली बार इस इलाके में आने का मौका मिला और मैं भगवान बिरसा मुंडा जी, बाबा तिलका मांझी, वीर बुधु भगत, सिद्धू कानू की धरती झारखंड को नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। 13 नवंबर को पहले चरण में पार्टी के मतदान होना है। ये मतदान बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये चुनाव भी इम्पोर्टेंट है। ये चुनाव इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोग बीजेपी को यहां से भगाना है। ये बीजेपी ऐसी पार्टी है, लोगों को तोड़ने का काम, बांटने का काम करती है, इसीलिए उनके नेता लोग यही भाषा उपयोग करते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। भाई कैसा, कौन बटेंगे? देश तो एक है और यहां एकता से सब लोग रह रहे हैं, तो किनको आप बोल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे? इसका मतलब है किसी एक ग्रुप को, किसी एक जाति को लेकर, किसी एक धर्म को लेकर आप ये भाषा बोल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं, नहीं देश के लिए भी अच्छी बात नहीं। बांटने वाले आप ही हैं, हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगाते हो, जाति जातियों में झगड़ा लगाते हो और महिलाओं में झगड़ा लगाते हो, अगले मत पिछले और मध्यम ये सब तुम ही करते हो और तुम बांटने वाले लोग हैं और बांटने वाले और काटने वाले भी तुम ही हैं। कहीं गड़बड़ चली, अफवाहें फैल गई तो आप पहले, हम आपके लोग पहले रहते हैं वहां काटने के लिए और दूसरों को कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे।
अरे भाई ये देश कभी बटने वाला नहीं है, लोग बटने वाले नहीं है। इस देश को महात्मा गांधी जी ने अपनी जान देकर, गोलियां खाकर इस देश को बचाया है, सुरक्षित किया है। इंदिरा गांधी जी ने देश में एकता रखने के लिए उन्होंने 36 गोलियां उनके छाती में गिरी, उनका शरीर छन्नी के जैसा हो छन्नी छन्नी हो गया था। वो क्यों? देश एक रखने के लिए। राजीव गांधी, उन्होंने देश एक रखने के लिए अपने आप को कुर्बान किया। उनको एक महिला ने पेरम्बदूर में हार डालने के नाते, वो उनके पास लाइन में खड़ी हुई और जब वो लाइन में खड़ी हुई, राजीव गांधी जी जो मंच पर चढ़ रहे थे उस वक्त, उस महिला ने उसको हार पहनाने की कोशिश की और उसी वक्त अपने कमर को उन्होंने जो मानव बॉम्ब रखा था वो बॉम्ब, मानव बॉम्ब फट गया और राजीव गांधी जी के शरीर के टुकड़े 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 हो गए। वो पहचान नहीं सके क्या वो जमीन के लिए लड़ रहे थे, क्या अपने घर के लिए लड़ रहे थे, क्या अपने संपत्ति के लिए लड़ रहे थे। सिर्फ एक ही उनका उद्देश्य था, इंदिरा गांधी जी का और राहुल गांधी जी का, राजीव गांधी जी का, कि हम ये देश एक रहे, मिलके रहे, मिलके चले, मिलके संभाले, ये उनका उद्देश्य था। मैं पूछता हूं, कोई बीजेपी में आरएसएस में कोई जान दिया है देश के लिए? अरे तुमने तो जान लिए हैं, बीजेपी वाले जान तो दिया नहीं देश के लिए। ब्रिटिश के जमाने में, उनके हुकूमत में ये सब काम करते थे उनके पास। गांधी जी जब ये भारत छोड़ो का आंदोलन निकाला तब ये लोग सरकारी नौकरी ढूंढते उसमें जा रहे थे, बीजेपी और आरएसएस के लोग। और आज हमको बोल रहे हैं, हमको देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। देशभक्त तो हम हैं, कांग्रेस है, पहले से भी करते हुए आई है, आज भी वो कायम है अपने उसूलों पे। इस देश का संविधान किसने लिखा, किसने लिखा मालूम आपको? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उनको सपोर्ट करके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लाके ड्राफ्टिंग कमिटी का चेयरमैन बना के कानून मंत्री के नाते उनको ये काम सौंपा गया था और उसी उन्हीं के वजह से, नेहरू जी और अंबेडकर के वजह से आज इस देश का संविधान बना है। और ये संविधान बनने के बाद जब आप उस संविधान को निकालना चाहते थे
और इस संविधान को बदलना चाहते थे, तब कांग्रेस पार्टी ने अपनी मुहिम शुरू की। अगर इस संविधान को अगर किसी ने हाथ लगाया तो हम उसको रोक देंगे और जनता के पास जाकर वोट मांगेंगे कि भाई यहाँ पर तो एक गद्दार सरकार है, लोगों के हकों को छीन रही है, तो आप हमारी मदद करो। पार्लियामेंट में आप लोगों ने मदद की, इसीलिए आज मोदी को बहुमत नहीं आया, इसीलिए संविधान के संशोधन का काम रुक गया। यह बड़ी बहुत बड़ा काम आपने किया, और 20-25 सीट हमको आते तो मोदी जी घर में बैठते थे, अब तो उनके दो टांग नहीं है, दूसरों के लगा लिए है। एक नीतीश की टांग है, दूसरी चंद्रबाबू नायडू की टांग है। ये दो टांगों के ऊपर ठहरे हैं, वो दो अलग एक दिन हो गए तो मोदी जी धमार बोल के गिर जाते। तो ये काम तो बड़ा काम है देश के लिए आपने किया, लेकिन अब आपको पार्लियामेंट में भी एक असेंबली में भी करना है, क्योंकि असेंबली जितने हम जीतेंगे, कितने स्टेट हम जीतेंगे, वो भी मोदी जी को संविधान संशोधन करने के लिए रोक देगा, क्योंकि 50% राज्य किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को रोकने के लिए अगर सपोर्ट नहीं करेंगे 50% लोग, तो वो रुक जाती है। इसीलिए ये इलेक्शन जीतना जरूरी है। एक तरफ गठबंधन की सरकार आपको मदद कर रही है, और हम जो है हमारी सरकार बनने के बाद हम थोड़े वायदे किए हैं, उसको जरूर निभाएंगे। मोदी जी कहते हैं कांग्रेस वाले हमेशा झूठ बोलते हैं, अरे भाई हमको झूठ बोलने वाले आप बोलते हैं, लेकिन आप झूठों के सरदार हैं। आप 2 करोड़ नौकरी दे दूं बोले दिए, मिला होगा यहां पर इसलिए आप गपचुप है नहीं। अरे मोदी कैसा झूठ बोलता भाई, प्रधानमंत्री हो के 2 करोड़ नौकरी देता हूं मैं बोल के नहीं देता, नहीं दिया आपको क्या मोल साहब, आपको कुछ दिया शायद इसीलिए आप हाथ बैठ गए। 15 लाख रुपए काला धन लाकर तुम्हारे जेब में डाल दू, बोला डाल दिया वो भी नहीं। अरे किसानों का दाम दुप्पट करके उनकी आमदनी बढ़ाता हूं बोला किया, और ऐसे बहुत चीज झूठ बोला। उसी लिए मैं हमेशा उनको झूठों का सरदार बोलता हूं। ये सरदार कुछ नहीं करता, आप जो कमाते हैं वो खाते बैठता है। हम महिलाओं को 1,000 से बढ़कर 2,500 रुपए दिसंबर महीने से देने वाले हैं, और 450 रुपए में एक गैस सिलेंडर आपको मिलेगा। MSP 2,400 रुपए में बढ़कर
3,200 रुपए एमएसपी की कीमत होगी। पिछड़े वर्ग के लिए अलग मंत्रालय यहां पर झारखंड में बनाएंगे और ओबीसी कमजोर तबकों के कल्याण के लिए शानदार काम हम लोग कर रहे हैं, आगे भी हम करेंगे। मोदी जी जिस एक दिन नहीं दो दिन 11 साल से है और 13.5 साल से वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, हमको आंकड़े बताओ। मोदी जी आप सेंटर में भी है, स्टेट में भी थे, कितने गुजराती गरीब लोगों को आपने मदद की उसका आंकड़ा दो। वो आज भी गुजराती बाहर काम करते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, दूसरे स्टेट में जाते हैं, वो तुमको क्या काम देगा? झारखंड वालों को काम देगा? अरे यहां तक संपत्ति तो लूट रहे हैं, कोयला लूट रहे हैं, मैंगनीज लूट रहे हैं, आयरन ओर लूट रहे हैं। ये लूटने वाली पार्टी है, इसके ऊपर भरोसा मत करो। और अमित शाह मोदी यहां आकर बहुत बातें करते हैं, ये कांग्रेस वाले ऐसा है ये मेरे को समझ में नहीं आता, एक चीफ मिनिस्टर होके क्यों ऐसी बातें वो करते हैं, ये मुझे आज तक नहीं मालूम हो रहा। हेमंत सोरेन ने गठबंधन की जो भी प्रोग्राम्स थे वो उन्होंने अमल में लाया और हम दोनों मिलके और आरजेडी मिलके और हम माले हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के वो हम सभी मिलके झारखंड के लिए लड़ेंगे, झारखंड के हकूक के लिए लड़ेंगे और यहाँ के लोगों की पूरी मदद करेंगे। भाइयों, ये बाहर के लोग भी बहुत आ रहे हैं यहाँ, मैं समझता हूँ 81 सीट है, 81 मंत्री आए हैं देश के सभी, कोई यूपी से आया, कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई आसाम से आया, यूपी का चीफ मिनिस्टर तो वो माहिर है ना, वो हमेशा बोलता कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, वो करेंगे ये करेंगे। मैं उसी लिए उनको कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाबा तुम ये बाबा का ड्रेस छोड़ दो, आप ये गेरुआ पहनने का छोड़ दो कलर, आप सफेद कपड़े पहनो, जनता की सेवा करने के लिए बाहर आओ। वो सब छोड़ के तेरा भी मेरा, मेरा भी तेरा बोले जैसा पॉलिटिक्स में गेरु कपड़े डाल के, मैं साधु हूँ एक तरफ बोलते हैं, मैं संत हूँ एक तरफ बोलते हूँ, मैं नाथ पंथ का मुखिया हूँ बोलते, ये क्यों बोलते भाई? साधु है, साधु का काम करो। वो सब छोड़ के ये गेरुआ कपड़ा डाल के सबको बेखूब बना रहे। अब वो छोड़ दो, लोग उतने बेखूब नहीं है, तो तुम अपने आप को जो होशियार समझ रहे तुम खुद बेखूब हो। और आश्चर्य की बात है, जब मंडल आयोग आया था उस वक्त यही लोगों ने विरोध किया, सपोर्ट नहीं किया, लेकिन लालू प्रसाद हो दूसरे नेता लोग हो सपोर्ट करके जो प्रगति पर जो प्रोग्रेसिव आइडियाज थे
उस आइडियाज को अगर किसी ने आगे लेके गया तो एक गठबंधन के लोग आगे लेके गए, उसमें आरजेडी है, सोरन साहब है और हमारे और माले, ये सारे लोग हैं। इनका कोई उसमें ये लोग कभी मदद नहीं करे तो मैं आपसे ये विनंती करूंगा, जल जंगल जमीन को आपका रक्षा करना जरूरी है और ये तीनों जल जंगल जमीन खींच लेके जा रहे हैं, ले जाके अडानी को दे रहे और अंबानी को दे रहे, ऐसे बड़े बड़े लोगों को ये दे रहे हैं और इनसे कोई फायदा नहीं। अमीर लोगों का तो कर्जा ये बीजेपी सरकार मोदी ने तो माफ करा, 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ कर दिया। कितना? 16 लाख करोड़ रुपए। आपका कर्ज माफ हुआ? जैसा कि मनमोहन सिंह जी ने 72,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ कर दिया था पूरे हिंदुस्तान में, ये कभी किया है ऐसा काम? इनको कुछ नहीं चाहिए गरीबों के लिए। और आज इस देश में यह हालत है, इस देश में 5% लोग ऐसे हैं उनके पास देश की 62% संपत्ति है, 5% लोगों के पास 62% संपत्ति है और हिंदुस्तान के 50% गरीबों के पास 3% संपत्ति है, 3। अरे 5% लोग 62% संपत्ति इस देश का लूट रहे हैं और गरीब के पास सिर्फ 3% है। इस दूरी को कम करने के लिए कांग्रेस ने बड़ी कोशिश पहले से करते आई, बड़े बड़े कारखाने इसीलिए बनाए, बड़े बड़े स्कूल्स निकाले, कॉलेज निकाले, मेडिकल कॉलेज निकाले, ये सब करने के बावजूद भी अभी भी मोदी बोलते कांग्रेस 70 साल में क्या किया। अब 70 साल बोलने का छोड़े हो, क्योंकि खुद ही उनको 11 साल हो गए और वाजपेयी जी को 6 साल, अब इनके 20 साल हो गए और ये क्या नाम रखते दूसरों को? तुम्हारा हिसाब दो ना, आपने 20 साल तक अब क्या काम किया पहले हिसाब दो। हम तो हर साल हिसाब देते हैं, लेते हैं, हर इलेक्शन में देते हैं। तो इसलिए भाइयों, यहां पर रांची में हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाए थे और IIM बना, ये सब कांग्रेस के वक्त बना, UPA गवर्नमेंट के वक्त बना। अपने वादे तो हम पूरे किए लेकिन मोदी जी एक भी अपना वायदा पूरा नहीं किया। यहां OBC के आरक्षण के लिए 14 से बढ़ाकर 27% करने का एक रेजोल्यूशन असेंबली में पास हुआ था और 10% से 12% दलितों के लिए, 26 से 28% आदिवासी आरक्षण के लिए यहां पर हुआ, लेकिन वो गवर्नर के पास पड़ा है, आगे जा रहा नहीं, आपको रिजर्वेशन मिल रहा नहीं। और OBC की बात करते मोदी जी, मैं OBC हूं, मैं बैकवर्ड क्लास का। तुम कहां बैकवर्ड भाई,
बैकवर्ड क्लास के तो चमचे हैं आप, उनके खिलौना है उनके हाथ में का, और हमको बोल रहे बैकवर्ड को कहीं जाना, मैं आप में से हूं, मैं गरीब हूं। कभी वो बोलते हैं मैं रेलवे में क्या है, हा? मैं रेलवे में चाय बेचता था। आप लोगों को याद नहीं, उन्होंने वोट लेते वक्त सब भूले थे, याद है? कहाँ याद है, कुछ आपकी आवाज ही नहीं है। अरे मेरे दोस्तों, ये ऐसी बातें बोल बोल कर उसने हुकूमत में आया, वोट तो लिया लेकिन गरीबों को बुला गया। इसीलिए मैं आपसे एक बात आखिरी में करूंगा कि जितने भी यहाँ पर आज बड़े बड़े झारखंड में रांची जिले में आए हैं, और वो बहुत काम हमसे हुआ लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सके। मोदी जी किसानों का कर्ज तो माफ नहीं करते, हमारा गठबंधन का सरकार यहाँ जब आएगा वो जरूर लोगों के लिए काम करेगा और उनकी मदद भी किसानों के लिए करेगा। इसीलिए मैं एक दो शब्द आखिरी बोल के खत्म करूंगा, गरीब लहरों पर पहरे बिठाए जाते हैं, गरीब लहरों पर पहरे बिठाए जाते हैं, समुद्रों की तलाशी कोई नहीं लेता, समुद्रों की तलाशी कोई नहीं लेता, यानी गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, समुद्र की तलाशी कोई नहीं लेता। ऐसा ये जो बड़ा सेंट्रल में गवर्नमेंट है इसका, इसकी तलाशी कोई नहीं ले रहे, बाकी के लोगों को यही कह रहे हैं ईडी सीबीआई उसका घर में इसके घर में, और उसको जेल में डालो इसको जेल में डालो। ये काम मोदी जी कर रहे हैं, डरा रहे हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम देश की रक्षा किए, जान दिए, और ये मोदी को डरेंगे हम? जेल में डालने दो, सलाके के पीछे डालने दो, लेकिन इस देश के गरीब लोगों की, ओबीसी की, माइनॉरिटी की और दलित भाइयों की, हम महिलाओं की रक्षा करते रहेंगे और हम उनके साथ खड़े होंगे। तो इसलिए भाइयों, हमारे गठबंधन के सरकार को आप मदद करो। और एक बात आखिरी में ही बोलता हूं, जब राहुल गांधी अपने भाषण में ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा रेड कॉन्स्टिट्यूशन दिखाते हैं, हम भी यही दिखाते हैं, लेकिन मोदी जी ने यह बोला, शाह ने यह बोला, ये कॉन्स्टिट्यूशन नक्सलवादियों का है, ये रंग उनका है। अरे ये देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो बाद में बताएंगे। तो ये नक्सलवादियों का है, उन्होंने बोला। अरे भाई अंदर क्या है, इसको ऐसा पकड़ो तुम, अंदर क्या है आप पढ़े नहीं, बाहर से बोल रहे ये कोरे कागज का, राहुल गांधी ने सबको बता रहा है, ये देखो इसमें पढ़ो, अगर एक किताब खरीद के दो उनको, भेजो मोदी जी को पोस्ट से भेजो, ये छोटी किताब, इसलिए वकील लोग रखते, सभी रखते, कि कहीं भी गए तो साथ में रहे। इसकी भी मजाक उड़ाए उन्होंने,
और जो हमको अर्बन नक्सलाइट कहने वाले, मोदी खुद ये किताब उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया है, ये नक्सलवादी है फिर। देखिए ये जो कोविंद जी को प्रेजेंट कर रहे हैं लाल किताब, यही किताब, और हमको बोलते हैं ये नक्सलाइट्स की रंग है, उनकी रंग। अरे ये काला, ये तो गुला, ये जो कुंकम रंग है, ये रंग तो शुभ होता है, महिलाएं कुंकम पहनती है, ये कलर होता है, सिंदूर मांग अपने, क्या कहेंगे आपके पास, क्या कहते हैं, हाँ मांगल, ये अपने औरतें पूरे उसी से भर देते हैं, सिंदूर से। तो उसको ऐसा, यानी इतनी चिल्लर बातें वो करते हैं, तो इसीलिए मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, कितने झूठ बोलते हैं मोदी जी, इसीलिए मैं उनको बोला ये झूठों का सरदार है। और अब वो पहले तो हमको बोलते थे ये जो हमारे मैया जो स्कीम है उसको हम जो 1,000 रुपए दे रहे उसका मजाक उड़ाते थे, कर्नाटक में जो हम किए उसका मजाक उड़ाए, अब वो खुद ही सब जगह बोलते फिर रहे, अरे हम करे तो बुरा तुम करे तो अच्छा, वो पवित्र हो गया। और इनका देखो, इनके इनको कोई भी किसी फंक्शन को मत बुलाओ यहाँ पर, इसीलिए कहाँ हाथ लगाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। इन्होंने राम मंदिर को हाथ लगाया, वो टपक रहा है पानी से। इन्होंने बुलेट ट्रेन के लिए उद्घाटन रखा था, वो फूल टूट गया। ऐसे बहुत से चीजें हैं, गड़बड़ में काम कराना, क्वालिटी काम नहीं, तो वहां पर ये हमेशा गड़बड़ करके सबको, देश को बर्बाद करते। तो इसलिए मैं ज्यादा न बोलते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि बीजेपी को हटाओ और गठबंधन सरकार को लाओ। अगर आपके पास छोटी मोटी कोई डिफरेंसेस है वो निकाल लो, क्योंकि लड़ने के लिए एक पार्टी होना चाहिए, पार्टी से ही आप लड़ सकते हैं, एक व्यक्ति सरकार बदल नहीं सकता, एक व्यक्ति कुछ खराब कर सकता है, लेकिन सरकार लाने के लिए, बदलने के लिए नहीं होता। इसलिए मैं आपको अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, आप हमारे लाल सिंह को चुन के लाओ, इनका निशान पंजे को ओढ़ दो, लाओ, आप सब देंगे, हाथ उठाइए, चुन के लाएंगे। अरे पीछे के लोग बोलो भाई। तो धन्यवाद आपको, नमस्कार, फिर मिलेंगे।